आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि च्यवनप्राश का आविष्कार जो है वो कैसे हुआ। मैं चाहूँगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे क्योंकि ये एक बूढ़ी ऋषि को एक सुंदर कन्या के लिए जब जवान होना था तब इसका आविष्कार हुआ है। आज च्यवनप्राश भारत के सर्वाधिक प्राचीन आयुर्वेदिक स्वास्थ्य पूर्वकों में से सर्वाधिक बिकने वाली आयुर्वेदिक उत्पाद है। आयुर्वेद के विकास के प्रारंभिक काल में अश्विनी कुमारों ने, जिनका चमत्कारिक अद्भुत वेदों के रूप में महान ख्याति थी, च्यवन ऋषि महर्षि भृगु के वंशज थे। च्यवन ऋषि बहुत वृद्ध हो गए थे तो उन्होंने यौवन की पुनः प्राप्ति के लिए अश्विनी कुमारों से प्रार्थना की। अश्विनी कुमारों ने ऋषि च्यवन के लिए एक देवी औषधि तैयार की जिससे ऋषि च्यवन ने फिर से यौवन अवस्था को प्राप्त कर लिया। इसी देवीय औषधि को च्यवन ऋषि के नाम पर च्यवनप्राश कहा गया है। इसके लिए अश्विनी कुमारों ने अष्ट वर्ग के 8 औषधियों पौधों की खोज की तथा जब च्यवन ऋषि के कृश वृद्ध शरीर को पुनः युवा बना देने का चमत्कार कर दिखाया। तो इस तरह च्यवनप्राश का आविष्कार हुआ है। जब इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो उसमें 3 ऋषि मिलेंगे जिनमें से एक भृगु, भृगु के पुत्र दाधीच और दाधीच के पुत्र हुए च्यवन। तो महर्षि च्यवन का आश्रम और गुफा जो वर्तमान में और ढोसी पहाड़ी के ऊपर मौजूद है। अब ढोसी पहाड़ी एक बहुत ही रमणीय स्थल है। इस पर्वत पर 54 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती है और इससे बहुत से रोग का उपचार संभव है। महाभारत के अनुसार कुरु जनपद में बहने वाली वसुंधरा नदी के पास महर्षि च्यवन का आश्रम था। यही ढोसी कहलाता है। ढोसी पहाड़ी पर पहुंचने के लिए एक रास्ता सिंघाना रोड पर स्थित है आज की तारीख में और दूसरा रास्ता कुलताजपुर गांव से होकर जाता है। तो मैंने आपको यह बताया कि कैसे च्यवनप्राश का आविष्कार हुआ। अभी इसकी हम कहानी बताते हैं जो वहां के लोग कहते हैं। पहाड़ी पर स्थित जो लोग हैं उनका यह कहना है कि महर्षि च्यवन के समय क्षेत्र पर शयाति राजा का राज था। एक दिन राजा की पुत्री सुकन्या इस पर्वत पर अपने सहेलियों के साथ आई और घूमते घूमते उन्हें एक बांबी में 2 ज्योति जलती हुई प्रतीत हुई जो दरअसल महर्षि की आंखें थी। अनजान राजकुमारी ने उन आंखों में कांटा चुभ दिया, आंखों से खून बहने लगा और यह सब देखकर राजकुमारी डर के वापस चली गई। लेकिन महर्षि च्यवन के प्रताप से राजा और उसकी प्रजा का जो मलमूत्र था वो रुक गया। अब इन सब से परेशान होकर राजकुमारी ने सारी बात राजा को बताई। यह सब सुनकर राजा बहुत दुखी हुए, अपनी सेना को लेकर महर्षि च्यवन के साधना स्थल पर पहुंचकर उनसे क्षमा याचना करने लगे। राजा पर तरस खाते हुए महर्षि च्यवन ने अपना श्राप वापस ले लिया। इस पर अंधे हो चुके महर्षि की सेवा करने के लिए राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या को यहीं पर छोड़ दिया। उसके बाद ही उन्होंने तपस्या की और उसके बाद जो अश्विनी कुमार थे तो उन्होंने उन्हें जवान बनाया और फिर च्यवनप्राश दिया। तो आज उसी का जो ब्रांड है उन्होंने उन्हीं के नाम पर च्यवनप्राश नाम रख दिया। तो इस उत्पाद का नाम ढोसी के च्यवन ऋषि के नाम पर ही रखा गया है। तो आयुर्वेद के अनुसार कमजोरी, पुराने जुकाम खांसी सहित फेफड़े और 6 रोग के निदान के लिए दी जाने वाली औषधियों के साथ च्यवनप्राश जरूरी है। च्यवनप्राश में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी बूटियां आंवला, गिलोय और तुलसी भरपूर मात्रा में होती है और च्यवनप्राश स्मरण शक्ति, बुद्धि और शरीर के विकास में भी काफी मददगार होता है। 5 तरह के मुख्य तत्व उसके अंदर होते हैं। एक तो आंवला फल, उसके बाद संसाधन द्रव्य। इन द्रव्यों में पानी डालकर आंवला फल को हल्की आग पर उबाला जाता है। उसके बाद है यमक द्रव्य। इस श्रेणी के द्रव्य में घी और तिल का तेल आता है। उसके बाद है संवाहक द्रव्य। इस श्रेणी के द्रव्य च्यवनप्राश को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किया जाता है। और उसके बाद है प्रक्षेप द्रव्य। ये द्रव्य है केसर, नाग केसर, पिपली, छोटी इलायची, दालचीनी, बंसलोचन, शहद और तेजपात।
और च्यवनप्राश त्रिदोष नाशक है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए, और हम चाहेंगे यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप उन्हें शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।